डेफिनेटली मैं ये कहना चाहूँगी बिकॉज जब बात आती है इंडिया की, जब बात आती है वुमेंस की, तो मैं बोलती हूँ कि वुमेंस कुछ भी कर सकते हैं. और जब हम मेकअप के फील्ड की बात करें तो यहाँ पे मैक्सिमम हम वुमेंस को ही देखते हैं. और यहाँ पे ये जो एशियन एक्सीलेंस अवार्ड्स हैं, इसके थ्रू हम एक बहुत ही बड़ा सा मैसेज दे रहे हैं कि येस, वुमेन कैन डू एवरीथिंग. और जितने भी वुमेंस हैं मेकअप में जो अपने फील्ड में बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, उनको ये अवार्ड दिया जा रहा है, उससे उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है. एंड आई रियली अप्रिशिएट दैट कि जो कोई बहुत अच्छा काम करता है तो उन्हें डेफिनेटली अप्रिसिएशन मिलना ही चाहिए. यस, अगर आउटफिट की बात हम करेंगे तो हमने थोड़ा सा फ्रांस और कैंस फेस्टिवल से ये आउटफिट का थोड़ा सा यू नो इमेजिन किया है. थोड़े से फर लगा दिए हैं, थोड़ा सा जेब्रा प्रिंटिंग है, थोड़ा सा ग्रीन कलर है. एंड उसके साथ हमने जो फ्यूचर मेकअप है वो फ्यूचर मेकअप को यहाँ पे कैरी किया है. और ऊपर हमने टॉप नॉच बांध दी है. सो ये इंडिया का फ्यूचर मेकअप हो सकता है. थैंक यू सो मच. बहुत बहुत एक्साइटेड हूँ, थ्रिल्ड हूँ. ऐसा लग रहा है कि ये हमारा पहला रॉकिंग इवेंट है ऑफ 2022. और सच में ऐसी फीलिंग नहीं आई कभी, क्योंकि इंटरनेशनल जाने के मौके बहुत कम मिले. लेकिन एशियन एक्सेलेंस अवार्ड खुद यहाँ पर आया है हमारे देश में अपने अवार्ड लेकर, और हम बेहद एक्साइटेड हैं और एब्सोल्युटली थ्रिल्ड टू बी हियर टू फेलिसिटेट ऑफ कोर्स एवरी ब्यूटिफुल गर्ल एंड लेडी हु इज अ सुपर अचीवर. बहुत सारी मेहनत की है सब लोगों ने और आज सेलिब्रेशन है. स्पेशली द धक धक गर्ल इज कमिंग हियर. लेट्स डू धक धक. व्हाट धक धक? धक धक. अच्छा, माधुरी दीक्षित मैम आ रहे हैं ना. ओह माय गॉड. अच्छा, तो धक धक. अच्छा, धक धक. सो वी आर रियली एक्साइटेड. थैंक यू सो मच. थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू. लेट्स डू अ पिक्चर. I feel great. I feel amazing. I think मुझे एक अवार्ड मिल रहा है आज. सो आई एम एक्चुअली क्वाइट एक्साइटेड अबाउट दैट. बस दैट्स व्हाट. आई थिंक आई एम नॉमिनेटेड फॉर राइजिंग स्टार, विच इज़ ग्रेट बिकॉज इट्स वेरी मोटिवेशनल फॉर मी टू जस्ट यू नो अवार्ड्स जो होते हैं उन्हीं देर लाइक दे मोटिवेट यू टू डू बेटर इन योर करियर. एंड I am just thankful to Asian Excellence Awards to give me this. I mean, Mumbai is my city. Main Mumbai kar hu, and actually it's very close to my house, so it's great. I love the city and it's always welcoming and always great to come and be a part of all these events that happen over here. Thank you so much. Thank you. Me too. Thank you.
Certainly, sir. Single, sir? Yes, sir. Stand this up. Yeah, they're okay? Yes, sir. How about you? Okay, Rajiv, sir, Asian Excellence Award task. What is the award? I'm very happy about Asian Excellence. And I think I'm nominated for the Entertainer of the Year, which I'm very happy about. Big Boss, I'm very happy that I'm getting this award. So I'm very happy that I'm coming today. देखो माधुरी जी आ रही है मेरी फेवरेट मतलब मैं स्टार शक इतना नहीं होता बट जो माधुरी दीक्षित आती है तो मतलब आई एम गोइंग टू बी वेरी एक्साइटेड बिकॉज आई एम वन ऑफ द बिगेस्ट फैंस आई थिंक शी इज द बिगेस्ट एक्ट्रेस हियर इन द इंडस्ट्री एंड आई एम एक्साइटेड टू सी ऑल द अदर अवार्ड पीपल नॉमिनेशंस हु आर कमिंग अप एंड आई थिंक सो माय फ्रेंड्स आर आल्सो इन द नॉमिनी सो आई एम क्वाइट हैप्पी टू सी थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच Yeah, I am nominated in a category and I'm getting awarded. And what's most exciting is that I'm getting awarded by living legend, Madhuri Dixit ji. So it's a very special occasion for me. What category it is? I believe I'm winning as a social media influencer this year, as the digital influencer for the year. Yeah. Feeling is surreal. I can't believe, am I really going to meet Madhuri Dixit? I can't believe till it doesn't happen, but like it's surreal. It's surreal. I'm too excited and too elated. Okay, thank you so much and all the best for your award. झगड़ा हो रहा है हाय अरे कैसे हो भाई आज की शाम कितने एक्साइटेड है आप कहीं फाइट हो रही है तो कहीं कुछ भी हो रहा है आप बताइए आप कितने एक्साइटेड हैं आज की शाम को मैं उनसे थोड़ा सा कम एक्साइटेड हूँ जो अभी चिल्लाई नहीं नहीं लेकिन या आई एम वेरी एक्साइटेड बिकॉज इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू विन एन अवार्ड और आपके काम को अप्रिशिएट किया जाता है लोग चाहते हैं आपको पसंद करते हैं तो ये एक एक्नॉलेजमेंट होता है तो बस इस बात से बड़ा खुश हूँ कि और प्यार मिल रहा है भाई हम अपनी तरफ से पूरी मेहनत करते हैं और हाय 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 हाउ आर यू थैंक यू सो मच थैंक यू कम 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 जॉइन थैंक यू कम हुआ क्या हाँ अरे वेरी गुड एक्सपीरियंस यार इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू मीट ब्यूटीफुल पीपल और पूछो हाँ ठीक है बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू सो मच थैंक यू मुलाकात करते हैं
जी जिस आई वुड लाइक टू थैंक द बी सी ए आई एंड साशा मीडिया फॉर इन्वाइटिंग मी फॉर द एशियन एक्सलेंस अवार्ड्स. आई एम वेरी एक्साइटेड टू बी हियर एंड आई'ड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट ऑल द विनर्स हु हैव वर्क्ड वेरी हार्ड टू बी वेयर दे आर. So all the best and congratulations again. Thank you. बहुत अच्छी हो. तुम कैसे हो? सब लोग कैसे हो? थैंक यू. दिस इज यू इट इज अ मेटेलिक गाउन विच हैज द शेड. इट अब्सॉर्ब कलर. आप वाइट लाइट डालोगे तो गोल्ड लगेगा, आप थोड़ा डार्कर लाइट डालोगे तो वो ग्रे लगेगा वैसा. बस आपको जैसे परसीव करना हो परसीव कर लो. बहुत कुछ कहना चाहूँगी. बहुत बड़ी मतलब मुझे आप जानते हो मुझे काफ़ी सारे अवार्ड्स मिलते हैं और बहुत प्रेस्टिजियस अवार्ड्स भी हमने लिए हैं, लेकिन आज के दिन कुछ अलग है. क्यों अलग है? क्योंकि आज अवार्ड देने वाली माधुरी दीक्षित मैम है. आई हैव ऑलवेज वर्शिप्ड माधुरी मैम सिंस माई चाइल्डहुड. आई लिटरली यूज टू वर्शिप हर. She used to be my dad's dream girl as well. और जब मैं छोटी थी तब मेरे पापा सबको बोलते थे कि मेरी बेटी माधुरी दीक्षित जैसे दिखती है. आज कल मैं शायद अगर मैं अच्छा काम करूँ और नसीब साथ दे तो शायद मैं कल एकेडमी अवार्ड भी जीत जाऊँ, लेकिन आज का दिन बहुत स्पेशल है मेरे लिए. क्योंकि जिनके लिए मैं इस इंडस्ट्री में आई हूँ, जिनके सपने देख के, और हमेशा मेरे लाइफ में ऐसा था कि मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ, आज वही माधुरी दीक्षित जी हमें अवार्ड देंगे तो मैं बहुत इलेटेड हूँ, बहुत खुश हूँ, बहुत बहुत ज़्यादा खुश हूँ. जी अभी जैसे आपको पता है रेड है वो विच आई एम डूइंग, न्यूयॉर्क टू हरिद्वार है, और एक फिल्म जो हमने ऑलमोस्ट वी आर रेडी टू गो ऑन फ्लोर इज ब्रेकिंग न्यूज़, देन शक, बस काफ़ी सारे मूवीज़ है. बस हम सिर्फ पेशेंटली वेट कर रहे हैं कि चीज़ें शुरू हो जाए. थैंक यू सो मच. टेक केयर, लव यू ऑल. Yes, I'm nominated and that's the reason I'm so decked up. excited. I'm feeling good. I'm happy.
No, it's not a dream come true, but I'm really excited that I might receive an award from her. She's always been an ideal of my era people, and bachpan se dekha hai unko. So kaam kabhi karne ka mauka nahi mila, but today I'll see her in life. Of course I would love to, why not? Thank you. Thank you. एक्साइटेड हूँ ये मैं कहूँगी क्योंकि यहाँ पर जो हमें अवार्ड दे रही हैं वो माधुरी जी, जिनके हम सभी फ़ैन रह चुके हैं. बिकॉज ऑफ हर आई एम एक्साइटेड. बहुत बड़ी फ़ैन हूँ मैं, मिल बहुत बार चुकी हूँ मैं उनको, बट फिर भी जब भी मिलूँ तो मुझे लगता है कि एक्साइटमेंट मेरी बिल्कुल कम नहीं होती. मेरी अपकमिंग प्रोजेक्ट है Z5 पे, वेर आई एम प्लेइंग कॉप्स. तो मेरे ख्याल से नेक्स्ट मंथ वो रिलीज़ हो रहा है. वेब सीरीज़ है और बहुत धमाकेदार परफॉर्मेंस देखने के लिए मिलेगी. थैंक यू. आई थिंक आई एम नॉमिनेटेड. आके अच्छा लग. आई एम नॉमिनेटेड. आई एम जस्ट बीइंग सटल लाइक ऑलवेज. आई नो आई एम नॉमिनेटेड. ओके, एंड फॉर व्हाट कैटेगरी? स्टाइल आइकॉन और समथिंग लाइक दैट. या. एंड हाउ एक्साइटेड आर यू? Very excited, yeah. It's always good to come for functions and get appreciated for something. So if something, if I get appreciated, I'll be more happy. Yeah, I'm just. It's you tell me. It's yellow. It's not orange. It's yellow, na? Yeah, so it's this guy called Karan. He's a designer from Delhi. So he generally styles for me. I like his style. Yeah. What stylish lag raha hai? Lag raha hu na? Lag raha hu na? Yaar, main Bombay mein bahut din ke baad aaya hu. 4 mahine baad aaya hu. To bahut hi excited hu. Main Cape Town gaya hua tha. Fir Omicron ke desh. Omicron nahi. Actually Omicron nahi tha wahan par. ये वेस्ट मीडिया ने फैलाया और वहाँ मैं फंस गया था. शूटिंग के लिए बहुत अच्छा. अब ओमिक्रॉन का देश नहीं है वो अलग बात है, किसको बताना नहीं, लेकिन माँ मुझे कोविड हो गया था, मैंने किसको बताया नहीं, बट पता भी नहीं चला, हो गया, ख़त्म हो गया, वापस आ गया. बट व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस. सीरीज की शूटिंग थी यार. इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस. बहुत अच्छी जगह है एंड शूटिंग बहुत ज़्यादा अच्छा था. हॉटस्टार के लिए प्रोजेक्ट है ना वो था. आएगा तो बताऊंगा ना, अभी क्या बताया, फ़ायदा बताया. थैंक यू मेरे भाई. थैंक यू. Yeah.
कैसे हो आप लोग? होप टू सी यू सून. लास्ट टाइम मैंने ऐसा बोला था, आज मिल रही हूँ इतनी जल्दी. काफ़ी अच्छा लगता है अवार्ड्स को अटेंड करना. यू गेट टू नो, गेट टू मीट सो मेनी गुड पीपल्स. बहुत मस्ती मजाक होता है. आई जस्ट लव अवार्ड फंक्शंस. या यस, आई एम नॉमिनेटेड फॉर स्टाइल आइकन ऑफ द ईयर एंड मुझे बहुत नर्वसनेस भी लग रहा है, खुशी भी मिल रही है. फिंगर क्रॉस्ड. माधुरी जी के लिए तो मेरा दिल धक धक हो रहा है. अभी मुझे धक धक गर्ल को देखना है. आई जस्ट लव हर. स्टाइल मैं सोचती हूँ स्टाइल आपको अपने हिसाब से करना चाहिए, जिसमें आप कंफर्टेबल फील करते हो. आई ऑलवेज स्टाइल माई सेल्फ द वे आई वॉन्ट टू. और आई थिंक सबके लिए ये अच्छा होता है कि आप अगर कंफर्टेबल फील कर रहे हैं तो यू फील मोर स्टाइलिश. फॉर मी स्टाइल इज फीलिंग कंफर्टेबल. या थैंक यू. थैंक यू. दिस इज द मोस्ट पॉपुलर टेलीविजन फेस ऑफ द ईयर. और सबसे बड़ी बात ये है कि माधुरी जी ने मुझे ये अवार्ड दिया है. तो आई वुड से कि बहुत कम लोग इतने खुशनसीब होते हैं कि उनसे दोबारा मिल सके. एंड आई गॉट द चांस. एक्चुअली आई वॉज गिवन द अवार्ड बाय हर, विच इज़ एन ऑनर. सो इट्स गुड. I recently watched her web show. yes. बहुत सारी देख चुकी हूँ. और शी इज़ अ धक धक गर्ल. एवरी धक धक गर्ल. हाय. सो या वी ग्रोन अप वॉचिंग हर फिल्म्स. Style means comfort to me, so it's each one's comfort which translates into style, and it's out there, right? Which gets into fashion. So each one has their own essence, their own style, and this is mine. ऐसा है. I won't say. I don't know what to say about that. क्योंकि Instagram पे मैं तो इतना ज़्यादा post करती हूँ नहीं, और उसी वजह से मेरे उतने ज़्यादा followers भी नहीं हैं. लेकिन जितने हैं वो काफ़ी है. और it's more of quality over quantity, you know. Thank you. Thank you. Thank you.
आज तू ब्लर मारता है. थैंक यू. सबसे पहले मैं बता दूं, मेरा नाम जिया सोसा है. मैं लास्ट 16 ईयर से मेकअप आर्टिस्ट हूँ. वी हैव द ऑर्गेनाइजेशन कॉल निरंकार एग्जीबिशन एंड BCAI. सो वी हैव टू डिफरेंट काइंड ऑफ यू नो हमारी जो एक अथॉरिटी. एक मिनट, डिस्ट्रैक्टिंग बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टिंग है. तो वीडियो ले लीजिए आज छे पाछड़ अने आ लोग ले रहा छे. सॉरी हाँ जी बोलिए. माधुरी जी आज यहाँ पर हमें देखने को मिला, आपने सामने भी हमने देखा, तो कैसा रहा एक्सपीरियंस? माधुरी मैम को हमने बचपन से देखा है और बहुत एक्साइटमेंट थी कि माधुरी मैम को हम देखे और माधुरी मैम को हम स्पेशली ले आए. इसके पहले हमने बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ के साथ काम किया है. वी हैव वर्क मोर देन 6 सेलिब्रिटीज़ और हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है इज़ द फर्स्ट वुमेन ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया हु हैव क्रॉस 80,000 फॉलोवर ऑन इंस्टाग्राम. सो इट इज़ सच अ बिग अचीवमेंट फॉर अस. और हमने माधुरी मैम के साथ हमने फर्स्ट टाइम काम किया. इसके पहले हमने शिल्पा शेट्टी मैम के साथ भी काम किया है, उर्वशी रौतेली भी आए हैं और नेक्स्ट हमारे बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ हैं जिसके साथ हम काम करने वाले. थैंक यू. सिल्वर, यस. मेरा आउटफिट, माय आउटफिट इज़ फ्रॉम राजा रानी और इट्स अ बेस्ट. या इट्स अ बेस्ट इन सूरत एंड आई एम फ्रॉम मुंबई. मैं मुंबई से हूँ और हम ये इतने साल से काम कर रहे हैं. वी आर वर्किंग सिंस 6 ईयर्स इस ऑर्गेनाइजेशन में एंड टुडे वी हैव अ माधुरी दीक्षित. इट वाज अ ड्रीम टू कम एंड वर्क विद हर. यू वेलकम. थैंक यू एवरीबॉडी. ताली तो बजाओ. अभी बैकअप बैकअप बैकअप. एक्सीलेंस अवार्ड. ऑलराइट. सो ओके ओके. It's a rising entrepreneur award and it's definitely special. Just not because it's an entrepreneur award, but it is a prestigious award from Madhuri ji. So it's special. Thank you. So ये outfit भी मेरी brand का है जिसके लिए मुझे award मिला है. And yeah, thank you so much. Thanks. ले लो ले लो. विवेक उससे बोल दो, उससे बोल दो जा रहा हूँ. अवार्ड मिल गया मुझे माधुरी जी से. बोलो. स्टाइल आइकॉन ऑफ द ईयर अवार्ड एंड दैट टू फ्रॉम माधुरी मैम. आज बहुत खुश हूँ. मैंने बोला आई एम वेरी वेरी हैप्पी टुडे टू रिसीव द स्टाइल आइकॉन अवार्ड ऑफ द ईयर 2022 फॉर फ्रॉम एशियन एक्सीलेंस अवार्ड्स 2022 एंड फ्रॉम माधुरी दीक्षित मैम. सो इट इज़ वेरी वेरी स्पेशल फॉर मी. थैंक यू. वेरी एक्साइटेड और आई एम श्योर getting Asian Excellence Award, so obviously I'm very excited and grateful. मैं बहुत बड़ी फैन हूँ माधुरी जी की एंड आई लव हर एज एन एक्ट्रेस. शी इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर एंड फाइनेस्ट डांसर एंड आई फॉलो हर अ लॉट. थैंक यू. थैंक यू थैंक यू. आई लव वेयरिंग साड़ी एंड दिस इज फुलकारी पंजाबी साड़ी. दैट्स आई एम वेयरिंग पंजाबी जुत्ती, नॉट हील्स.
So yeah. Thank you, thank you. Yes, definitely. First of all, myself, Twinkle Rajani, and I am awarded as the first youngest makeup and hair mentor for the Asian Excellence Award 22. And for this, I would like to thank BCAI, that is Beauty Club Association of India, and Nirankar Exhibition for making me part of this event. And it was an honor having me here, and it was just an amazing experience. And I just loved the complete setup which was done today. Yes, and this outfit has been designed by Banjara designer, and I'm just loving it. Thank you. नमस्कार नमस्कार आज की शाम कुछ कहना चाहेंगे एशियन एक्सेलेंस अवार्ड से एक्साइटेड होते हैं जब भी अवार्ड एक्चुअली हर बार जब अवार्ड मिलता है खुशी होती है अप्रिसिएशन की रिसीट है अवार्ड बहुत अच्छा लगता है ऑल्सो इट्स अ वेरी प्रेस्टिजियस अवार्ड सो वेरी वेरी हैप्पी टू बी हियर एंड कॉन्ग्रेचुलेशन टू द ऑर्गेनाइजर्स एंड कॉन्ग्रेचुलेशन टू एवरीबडी हु इज गेटिंग द अवार्ड टुनाइट आई होप आई गेट वन टू So yeah, we are all neon today. Okay,
Yes, definitely. Coming on 13th March. Yeah, it's a song with Siddharth Nigam. He only sang the song. The name of the song is Sumini. In fact, the teaser is out today itself. And on 13th, we're going to launch the song. So be prepared. Thank you so much. Thank you. Bye-bye.